हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हम कैसे मिडल में इंसर्शन कर सकते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल नहीं ली यहाँ पर, डायरेक्ट हम इसको समझेंगे सिर्फ, क्योंकि इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, और सिंगली लिंक लिस्ट में इसके पूरे कोड को भी हमने ठीक तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पर वो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमें बिटवीन में कोई एलिमेंट एंटर करना है तो वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंगली के अंदर हम करते थे। तो यहाँ से एक न्यू नोड हम बना लेंगे जो कि हमें मिडल में एंटर करना है। यहाँ पर एक हमारे पास पोजीशन जाएगी और एक हमारे पास वैल्यू जाएगी पैरामीटर्स के अंदर, और यहाँ पर एक हम नोड बना लेंगे है टेम्प नाम से, टेम्परेरी नोड, जो कि हमारे पास इक्वल होगा हेड के। यहाँ पर हेड बाय रेफरेंस जाएगा यहाँ से, और क्योंकि नोड्स हमारे पास आगे पीछे होने हैं तो इसीलिए। और यहाँ पर हमारे पास एक काउंटर होगा जिसे हम काउंट पर कर पाएंगे कि हम किस पोजीशन पर अभी हैं, और जब हमारे पास काउंट हमारे पास पोजीशन -1 पर पहुँच जाएगा, मतलब जिस पोजीशन पर हमें नोड को एंटर करना है उससे हमें एक पीछे तक आना पड़ेगा। तो वो जब हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे तो पहुँचने के बाद हम कंडीशन ये लगा देंगे कि एन यानी जो नोड हमने न्यू बनाया है इसके नेक्स्ट में हमारे पास है टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प जो नोड था वहाँ पर तो हम पहुँचे हुए हैं, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें फ़िलहाल उससे अगले नोड की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो एन के नेक्स्ट में वो अगली इन्फॉर्मेशन ये डाल दे, इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है। और टेम्प के नेक्स्ट में हमारे पास जो टेम्प हमने बनाया इसके नेक्स्ट में एन को डाल दे। सिंपली यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है कि हमारे पास जो न्यू नोड एन बना है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके नेक्स्ट में को वो इक्वल कर रहा है टैम्प के नेक्स्ट के। टैम्प का नेक्स्ट मतलब यहाँ पर एक डायग्राम से यहाँ से ये समझिए, ये लेट्स सपोज हमें नोड एक न्यू, ये हमारे पास नोड है और इसको हम इन तीनों को कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास ये जो लास्ट नोड है इसमें फ़िलहाल किसका एड्रेस स्टोर है, इसका एड्रेस स्टोर है, क्योंकि ये नोड तो हमें न्यू बनाना है ना, ये दोनों नोड आगे पीछे एक दूसरे के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है इस नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस स्टोर है, इसका एड्रेस स्टोर है ना, तो हम क्या कुछ कर कुछ यू रहे हैं कि हम ये कह देंगे कि ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर स्टोर हो जाए इसका ये नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाए, एक काम ये हम ये करेंगे। और सेकेंडली हम ये कह देंगे कि टेम्प का नेक्स्ट जो टेम्प हमारे पास ये है जहाँ पर लूप चलाकर हम आए, इसके नेक्स्ट में हमारे पास ये वाला नोड है, तो इससे इन दोनों के कनेक्शन हो जाएंगे और सिंपली ये हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट वाला ही प्रोग्राम था तो इसको मैंने दोबारा लिखा नहीं। तो यहाँ से बिटवीन में मुझे अगर कोई चीज़ ऐड करनी है हेड तो मेरे पास जा ही रहा होगा, सेकंडली यहाँ पर मेरे पास जा रही होगी एक पोजीशन। पोजीशन लेट्स सपोज मैं 4 पोजीशन भेज देता हूँ, 4 नोट्स तो यहाँ पर हैं, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चीज़ भेजनी पड़ेगी वैल्यू। वैल्यू मैं भेज दूँगा यहाँ पर 50 पहले ही है तो 90 लेट्स सपोज यहाँ पर मैं भेज देता हूँ, तो देखते हैं ये रन करता भी है कि नहीं करता। तो 20 22 ये देखें 90 पोजीशन नंबर 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर इसने ऐड कर दिया, मतलब पोजीशन नंबर 4 के बाद इसको ऐड करना था ना, पोजीशन नंबर 4 तक वो पहुँच गया और उसके बाद यहाँ पर उसने इस नोड को हमारे पास बना दिया और वहाँ पर 90 को ऐड कर दिया। तो सिंपल है, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी इंसर्शन तो कम्प्लीट हो गई, हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट की इंसर्शन तीनों तरीक़ों से। इसकी डिलीशन भी जो हमारे पास मिडल में होगी वो तो बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे सिंगली की थी, और हमारे पास जो डिलीशन मेन जो काम आएगा सर्कुलर के अंदर कि हमें लास्ट नोड को कैसे डिलीट करना है या हमें फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करना है, तो वो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे।